हरिश्चंद्र जी की कथा गरीबदास जी ने लिखी है, वो ध्यान से सुनिए, इतना आनंद आवेगा पूछो मत। गरीब हरिचंद इसमें ये बताते हैं कि उनको कितना विश्वास था, अपने वचन पर डट गए, लड़का भी बेच दिया, रानी भी बेच दी, अपने आप को भी बेच दिया, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। गरीब हरिचंद हरि हेतम अयोध्या नगरी रहते, सतयुग सिंध समाध बचन सब ही सत कहते। हरिश्चंद्र जी सतयुग के अंदर हुए हैं और वो अपने सत के वचन बोला करते, सत पर रहा करते थे, असत बात नहीं कहा करते, बड़े दानी थे। गरीब सुर नर मुनि जन देव सकल मन नाही भाया, सब मुनि करी फिलाद सुनो तुम्हें तेरे भवन राया। इतनी अच्छी कीर्ति राजा हरिचंद्र की होगी थी कि वो देवता लोग भी उससे यानी जीलियसी करण लागे, द्वेष रख कर लिया। तो विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि महाराज एक हरिश्चंद्र नाम का मृतमंडल के राजा है, मृतमंडल में अयोध्या नगरी में राज करता है। तो वो कहते हैं सत नहीं छोड़ता, हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। गरीब सुर नर मुनि जन देव सकल ना भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम तिर भुन राया। गरीब सत बाक है सत ही कह है, ये सत ही पूजा ध्यान, सत ही सारा कर्म है, सत के चले विमान। गरीब सुर नर मुनि जन देव फैलाद लगाई भारी, सुनो विशंबर नाथ हरि चंद्र हैं अधिकारी। गरीब कहे विशंबर नाथ सुनो क्या की जय देवा, वह हरिचंद्र सतलीन करत हैं सब की ही सेवा। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टर नहीं टारा, वह सतबादी संत रहे। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टर ना टारा भाई, वो सतबादी संत रहे हमारी शरणाई ही। राजा हरिचंद्र मेरी शरण के अंदर है भाई, वो सत नहीं छोड़ सकते। गरीब बोलत है ऋषि देव जात है हमारी पदई, सुनो सहस बुज नाथ करत हैं हम उनकी बदई। इंद्र जी कहते हैं कि मेरी पदवी जावगी महाराज अगर वो इस सत पर डटा रहा, और देवताओं की पदवी उसको देनी पड़ेगी, तो हम उसके साथ बदई करेंगे, हम उसके साथ तो है ना खेचा तान करेंगे, उसके सत को तोड़ेंगे। गरीब गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा को है, लीजे ताहे बुला हरे चंद तार जो देव है। विष्णु भगवान ने बोले भाई देख लो तारी मर्जी। उन्हें मालूम था कि जो मेरी शरण में आ गया और सत पर डटा रहा तो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, पर ये भी राजी हो लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेते हैं। गरीब नारद मुनि ऋषि देव कह सुन तिर भुन नाथा, हरिचंद्र सतना जावे तुमसे संग विधाता। नारद मुनि बुलाया, वो सियाने थे, ने बोले भगवान उसके सतना कौन तोड़ दे, जब आप जैसे साथ हो मेरे बस का नहीं ना आप जावा। तो विश्वामित्र को बुलाओ भाई। गरीब विश्वामित्र बोझ ढील लावे ना कोई, हरिचंद्र का सत जगा पकड़ लावत है सोई। गरीब विश्वामित्र अर्ज करे वो किसको दुखदाई, सुर नर मुनि जन देव सबन ने चुगली खाई। यह बीमारी उपरताई है राग की, द्वेष की, निंदा की, जलने की। अब कोनो सोचा कि स्वर्ग पाकर तो निश्चिंत हो गए वो देव लोग, वो यहां से भी ज्यादा बुरे उबरी हालत से उन लोगों की। अब मर पड़ के इस तीन लोग की साधना स्वर्ग प्राप्ति है। महाराज गरीबदास जी कहें स्वर्ग हमने भी देखा भाई, पर अपना मन नहीं लग गया। सो फिर कहते सुन मंडल को किया पिया ना, यु काल कर्म सब भाग्या। कहते हैं सब देवता ने इकट्ठे होकर विश्वामित्र आगे चुगली ला दी। विश्वामित्र ने वो बीड़ा उठा लिया कि मैं इसके सत को तोड़ जाऊंगा।
गरीब, लेकिन वो भी पूछा है कि भाई वो किसने दुख दे सह, क्यों दुखी करो बेचारे ने, तो सबने चुगली निंदा कर करा के और वो श्रृंगार दिया। गरीब सबे कहे ऋषि देव हरिचंद जो डगाई, विश्वामित्र आण बिड़ा जो लिया उठाई, गरीब अबिया तबिया त्रास दीजियो हमरे ताही। ये तीन प्रकार के दुख होते हैं प्रताड़ना करने के, जो कि गुप्त रूप से संत छोड़ देते हैं और वो परेशान हो जाता है। पकड़ लाऊं हरिचंद पलक ना ढील लगाई, गरीब जब दे दो त्रास कहे भगतन के ईसा, हरिस्वामित्र जब दिया किया मर्त लोक पियाना, दारे रूप बराहा बाग मेला धिमताना। विश्वामित्र ने एक सुअर का रूप बनाया, जंगली सुअर का, राजा हरिचंद्र का एक बहुत कीमती बाग बहुत प्रेम से लगवा रखा था, उस सुअर ने वो सारी बगीची उखाड़ दी, नीचे हुड शरीर अपना मुंह देवे और उथल पुथल कर दे। को जावे नजदीक उस माली ने या उनको खान ने भाजे, यानी तीर भी मार लिए उसका कोई असर नहीं हुआ, तो सब उठ कर राजा हरिचंद्र के पास आते हैं। तो हरिचंद्र बोल रहा भाई की बात होगी, कहने लगे महाराज जी एक ईसा का सूता हुआ रहा है सुअर है, और वो तो सारा बगीचा उजाड़ दिया, हमने तीर गोली मार के देख ली उसका असर ना होता। तो कहते हैं राजा हरिचंद्र ने खुद घोड़ा पिड़वाया, उसके ऊपर अपना अग्नि बाण लेकर, अगर के बाण लेकर के बैठ गया और सेना भी साथ चढ़ ली। एकदम राजा हरिचंद्र जब आवास है वो सुअर उसमें से निकल कर भाग लेता है। राजा हरिचंद्र इतना तेजी से भागता है सेना तो बहुत पीछे रहेगी, वो आगे चले जाते हैं। वहां जाकर के विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना ले से, और एक लड़की और एक लड़का दो अपनी सिद्धि से तैयार कर देता है। उस लड़की को राजा के पास ले आवे, हाथ जोड़ कर कैसे, हे राजन हे एक क्षत्रिय एक विप्र का काम कीजिए। अक महाराज एक यहां पर शायर आया था, अकमन ना बेरा शायर सूर का, पर मेरा काम कर महाराज, किधर छुप गया होगा कित पाओगा तना, के काम से विप्रवर के एक कन्या है ये, इसका ब्याह करना से कुछ कन्या दान करना चाहिए था, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, आप आगे धन्य है। राजा हरिश्चंद्र आप तो सतवादी हो, आप क्षत्रिय हो, ये गरीब कन्या एक ब्राह्मण की लड़की का ब्याह हो रहा है, इस पर कृपा करिए। बोले महाराज जी ठीक से स्नान कर ले, नहा धो लिया। कहते हैं कि इनका पति कहाँ है उसको बुलाओ, उसी समय वो लड़का बुला लिया, फेरे करवा दिए। कहने लगे इनको कन्या दान दे, सात असरपी दे दी, लोग कन्या नहीं कर मांडा, ऐसे नहीं करा। तो वो कहता है हरिश्चंद्र कि तू राजा होकर और सात असरपी दिखावे, तने शर्म नहीं आती, तुझे श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र कह महाराज नो ना कर, या मैं थोड़ा लेके आया था, जल्दी में था, आप चलो जितना चाहो सो ले लो, कदे वहां मुकर जा, अक नहीं मुकरूंगा, अक लिख कर दे दे, क्या लिखवाओ, अक आपका सारा राज मेरे नाम लिख दे, वहां पैसे दे देना तन दे दूंगा, कदे उड़े जाकर राजा अपन दिखावा। तो उसी समय लिख दिया कि मैं सर्वस अपना राज और इसको देता हूं विश्वामित्र ब्राह्मण के नाम करता हूं विप्र के नाम। वापस आ जाते हैं, आगे आके राजा को बोला बैठ घोड़े पर, घोड़े पर बिठा के अगली तरफ और पाछा वो पंडित जी बैठ गया विश्वामित्र, राजा को गले से पकड़ लिया आगे थे, अब तो मेरा बंधुआ हो गया। अब सैनिका ने देखा कि राजा को अरे को ऋषि पकड़े बैठा, तीर चढ़ा लिए। राजा ने बोला कि या तीन मना कर दे, क्यों मरुआ मुझे ना अपना वचन हार जा, सब उसको कह दिया चुप भाई मारो मित्र, इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने लिख कर दे रखा इस ताई। तेनो बोला इबराज मेरे नाम हो लिया, बता दे कितना देगा वो, सत्तर जो है ना सौ असरफी चाहिए थी, सौ बार। वो बोला वो भी दूंगा। बोला कितना देगा, तू हार जा अपने बच्चे ने कह दे, मैं नहीं दे सकता, ना ये नहीं कह सकता, कुमा के दूंगा, कुमा का सौ सरपी तेने दस साल में भी ना कुमाई जा। बोला महाराज हमने बेच दे सारे परिवार ने चल कर, तेरे पैसे जरूर दूंगा मां। तो उसी समय रानी को पकड़वा लिया और उसके बाल पकड़ लिया विश्वामित्र, राजा कति नहीं कसक्या, रानी को मतलब राजा को भी बहुत परेशान कर दिया अपनी सिद्धि से। तो फिर भी ने बोला विश्वामित्र के अब भी राजा अपने वचन ने छोड़ दे, मैं दोनों वन छोड़ दूंगा। कहते हैं वो रानी कहती है कि महाराज
नजर नजरा में ऐसे ढंग तक कह रही है कि वचन मत हारना, वचन साधन नहीं है, अर्थ जी तो मर जाओ पर आप वचन नहीं हारेंगे। रानी ने भी ये प्रण करके यानी उसको असहारा दिया, उसको ले जा करके काशी में ले जाता है, अयोध्या में चौकी बिठा दी यानी अपना राज बिठा दिया। अयोध्या में आकर के उसको बेचता, काशी में आकर बेचता है राजा, लड़की लड़के को और रानी को एक ब्राह्मण ले लेता है हर हीरा नाम का, 50 बाहर के अंदर 50 जो भी असरफी थी या जो उन्हें देना था उसके रूप में। फिर आप जाकर के एक भंगी को के पास जाता है, वो कहता है कि तूने मुर्द फरोश का काम करना पड़ेगा। क्या काम है महाराज? कि जो भी आवे मुर्दा उससे कफन उतार लेना, ना उसको 125 लेना है उसे टैक्स का। बिला अच्छा जी ठीक है, अगर छोड़ दिया तो तेरे से ले लूंगा, अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कई दिन तक भूखा भाणा बैठा रहा। एक कहते हफ्ते के बाद वो कालिया नाम का झिमर मुर्दफरोश वो आता भंगी वापर, कहता है कि अरिया अका महाराज तने भोजन नहीं खा रहा है। एक महाराज आपने भोजन की कही नहीं थी, कहां खाऊं? ओ तेरे की एक दुकान बता दी कि वहां से ले आ और अपना खा लिए, पैसे का हिसाब मैं आप कर दूंगा। तो वहां जाकर के वो क्या करता है, भोजन ले लिया एक व्यक्ति का। इतने में विश्वामित्र आकर एक भिखारी का ब्राह्मण का रूप बनाकर कहता कि महाराज मैं भूखा सा, भोजन दीजिए। तो कहने लगा विपर आधा ले ले, अग भला हो तेरा सारा दे दे, मैं तो भूखा मरूं सो, आधे में काम नहीं चले विपर राजा महाराज। कहते हरिचंद्र ने वो सारा उठा के दे दिया, नौका नो बैठ गया। अगले दिन फिर जावस है, दो आदमिया का लिया, तीन का, कहते कोई मांगना आ जाए उसको भी देना होता है। अगले दिन फिर आ गया, आके ने बोला महाराज भोजन दो, हम क्या खेती करें हैं आपका आसरा से। कहने लगा विपर आज बहुत लैस हूं, आधा ले ले। अक नहीं महाराज सारा दीजिए। एक कबीर साहब कहते हैं वो नरता मुए जो पर घर मांगण जा, अरुण तो पहला वह मरे जो जा मुख निकसे ना। ने बोला ले भाई ले जा। 15 दिन बीत गए, रोटी नहीं खाई, दुर्बल शरीर हो गया। और उधर से रानी आती है पानी लेने के लिए ब्राह्मण का, और उस घाट पर जब वह पानी भर आई तो उठा को नहीं घड़ा। रानी कहती है कि महाराज ये घड़ा उठवाइए। और न बोला रानी कमाल कर रही है तू, ब्राह्मण के घड़े का एक भंगी हाथ लावे, मेरे बस का नहीं, इस मंदिर बढ़कर उठा ले पानी का मां बढ़कर। यहां थोड़ी सी विपरीत कथा हमने सुनने को मिला करती थी कि घाट पर रानी पानी लेने गई थी कुएं पर, और वहां पर यह भी आ गया था पानी लेने के लिए, नहीं ये गलत है। गरीबदास महाराज ने जो लिखी है वो सत्य है, क्योंकि इन लाखों वर्ष पहले की रामायण भी ज्यों की तो मिलती है बंदी छड़ की, तो वहां पर रानी आई थी पानी लेने की खातर। तो हरिचंद ने कहा कि अंदर पानी में डुबकी लगा करके घड़ा उठा लीजिए, घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद लड़का रोहतास उस पंडित जी की खातर फूल लेने जाया करता था, वो रोजाना फूल ला करके पंडित जी को दिया करता था, वो अपने देव के ऊपर अपने इष्ट के ऊपर पूजा किया करता था। एक दिन कहते हैं रोहतास फूल लेने के लिए जावा है, विश्वामित्र वहां पर एक सर्प का रूप धारण करके वो छोरे को डस लेता है। तो पड़ा पड़ा रोहतास ने कह सके माड़ी मेरी मां ने जिक्र ना करिए भाई, पंडित जी ने बता दे जाकर। वो भाग्या जावस है, अब पंडित जी चाला हो गया कि हो गया कि वो लड़का किसका था भाई, रोहतास नाम बतावस है, और वो तो सांप ने डस लिया मर गया भाई। उसी समय भाग लेता है वो हरिहर हरा पंडित जी हर हीरा लाल का, और इतनी सुन ली उस लड़की ने भी यानी उसकी मां ने भी रोहतास की ने कि छोरे का तो सर्प लड़ गया। वो अभी भागी आवस बुरी तरह, वो ब्राह्मण छोरे ने छाती लाकर वो है बेटा कौन हुई रोहतासिया। तो कहते हैं रानी ने बोली महाराज पिताजी रोवे मत ना, ये ताने जाने हंस है,
क्यों चिंता करते हो? उस मां ने उस ब्राह्मण का ढाढ़स बढ़वाया कि ये तो आना जाना खेल से, रो मतना महाराज, हम सब ने जाना से, हमारे साथ होनी थी सो होगी, कोई बात नहीं। अब वहां से लेकर के वो लड़के का कफन उसके ऊपर लपेट के कपड़ा चल देती है। अब गरीब की गेलियां कौन जा, हरी हीरा और दो तीन जने वो जाते हैं। जाकर के मर्द घाट पर लुटा देती है, फूकन की तैयारी करे से इधर उधर से लकड़ी तैयार करके, तो इतने में हरिया आ जाता है। हरिश्चंद्र कैसे कि माई वो दे टैक्स 100 रुपया काट। तो वहां पर वो कहती है कि महाराज ये आपका बेटा रोहतास है, अक मेरा कोई पुत्र नहीं है, और मैं आपकी रानी सू, अक कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, 100 रुपया दे दे। बोली चाला कर रहे हो कि यहां पर मैं किस पहले आऊं, इस नगर में मैंने कोई जानता भी कोई ना, और ना मेरा कोई भाई। इतनी कहकर रो पड़ती है, कहने लगे अरे ये कोनी चाल है, 100 रुपया दे दे, मैं नौकर पराया सू। आज तो वो कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं, कफन उतार लेता है और नो कहकर वह पागल हो जाती है और उस लड़के की लाश को पानी में डाल देता है। वह रोती हुई सिर्फ पागल होगी, अकीब्रह भी के गया, पति विमुख पुत्र है नहीं, पागल होगी, सिर के बाल पाड़ती हुई। और फिर विश्वामित्र ने क्या करा, एक अंधी चला दी, जंखाड़ चला दिया। कौन जावा गरीब की गेला, सब आप अपने घर ने टल गए। वह जाकर के एक मंडी में सिर छुपा लेती है, पड़ी पड़ी रो है, बेहोश हो जाती है। उधर से विश्वामित्र ने केक रहा, एक बहुत बड़े अधिकारी का लड़का एक बाघ का रूप बनाकर, चीते का रूप बनाकर छोरा मार दिया, पाट दिया और भाग गया लेकर के। वो ढूंढ पड़ी, जब वो विश्वामित्र ही दूसरा रूप बनाकर कहता है कि आ जाओ मैं बताऊंगा, थारे छोरे ने एक डायण ने खा लिया। और क्या करा विश्वामित्र ने, एक पशु की को खत्म करके और उसका आगे उसके हाथ पांव खून खान लगा के गिर दिया और उसके मुंह का खून लगा दिया। बेहोश पड़ी थी वह रात रोहतास की मां तारावती। तो सारे उस राजा को, नवाब को, अधिकारी को, सैनिकों को लेकर के वो विश्वामित्र उस मंडी में ले जा सके, जाकर दिखावा सा कि यह पड़ी डांड और हाथ मुंह तलिए खा और ये बाकी हाड हूट पड़े से। उसी समय कहता है राजा के बुलाओ हरिचंद को, जल्लाद को, इसकी शर्त उतार दे। कालिया को कहा कि कालिया इसका सिर उतार दे, उतरवा दे, क्योंकि वो सारे कामुनी से जलाद रूप में भी वही किया करते थे। उसी समय राजा हरिचंद्र को, क्यों नौकर था वो कालिया का, कि हरिया कि हाँ महाराज, कि इस डांड का सिर काट दे अभी महाराज, पकड़ कर बाल और तलवार ने मारन लग गया। पीछे से भगवान विष्णु ने तलवार पकड़ ली। नुबला हरिचंद सफल हुआ, कौन सा भाई के भगवान विष्णु अकन्योनी, भगवान बहुत दिन हो गए छुप कर रहते ने, सामने आ जाओ ना, छोड़ दो तलवार में, प्रगट सामने आ जाते हैं। के मांग हरिचंद के मांग है कि महाराज जब दर्शन हो गए, मांगन ने भी के रह गया मेरे पास, के फिर भी मांग भाई, अक आप पक्का वचन भर लो कदे फिर जाओ। अक वचन भर लिए। नवला सारी कांसी पार हो है, अरिया बांधी जीवित हो ठीक हो, और इसका छोरा जीवित हो जा, और विमान में बैठकर जा, यहां के काशी के पशु और पक्षी भी स्वर्ग में जाने चाहिए। बोल तेरी के सलास। नो बोला तथास्तु, सारे स्वर्ग में जाएंगे। बोल सतगुरुदेव। तो महाराज कहते हैं कि जिस मंडल, जिस नगरी में साधु रहते हैं, वो नगर भी अमान है, अमर है। ऐसे प्यारे संत जिसमें रहते हैं, वो सारी नगरी को पार कर दिया करते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।